आज हम लोग एम्पियर्स लॉ पर बात करने वाले हैं, जानेंगे कि क्या होता है एम्पियर्स लॉ, फिर हम लोग सीखेंगे कि एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, फिर एक एम्पियर्स लॉ का एप्लीकेशन भी करेंगे जिसके मदद से हम लोग एक इन्फाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के वजह से एक्स डिस्टेंस पर कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का मान, वो कैलकुलेट भी करेंगे, म्यू नॉट आई बाई टू पा एक्स, जैसा कि हम लोगों ने बायोट सावर्ट लॉ की मदद से निकाला था पहले, आज हम लोग एम्पियर्स लॉ की मदद से करेंगे। और एम्पियर्स लॉ की मदद से जो हम लोग ये डेरिवेशन करेंगे वो चीज़ बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखा जाए, जब तक वो डेरिवेशन तक कर ना ले तब तक अच्छे तरीके से ये उतना क्लियर नहीं हो पाता है। एम्पियर्स लॉ में थोड़ा सा शुरू में हल्का कन्फ्यूजन जैसा रहेगा, फिर धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंत तक, ठीक है। तो एक बात ध्यान दिया जाए, हम एम्पियर्स लॉ को थोड़ा बहुत रिलेट करने का कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड चैप्टर में, जो आप लोगों ने क्या पढ़ा था भाई, हाँ, गॉस लॉ, उसी से मिलता जुलता है। जैसे वहाँ पर कूलम्स लॉ था, यहाँ पर बायोट सावर्ट लॉ था, अब वहाँ पर जैसे गॉस लॉ था वैसे यहाँ पर क्या है, एम्पियर्स लॉ है। गॉस लॉ में पढ़े थे क्या पढ़े थे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए या फिर ई डॉट डी एस भी लोग लिखते हैं, ये एरिया होता था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर अंदर का चार्ज क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वहाँ पर कर किए थे ना। आज यहाँ पर क्या होने वाला है एम्पियर्स लॉ में, फार्मूला मालूम, इंटीग्रेशन वैसे ही रहेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था वहाँ ना, तो यहाँ आ जाएगा कौन, मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर एरिया था ना, यहाँ पर आ जाएगा क्या, लेंथ, छोटा सा एरिया यहाँ पर छोटा सा लेंथ आएगा। फिर उसके बाद वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज था ना, यहाँ पर मैग्नेटिज्म में क्या आ जाएगा, करंट, यहाँ क्या आ जाएगा, करंट आई इनसाइड, वहाँ पर क्या था, चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर करंट इनसाइड। और एक बात यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस किए होगे कि वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक में यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड वगैरह में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता था कि एप्सिलॉन नॉट हमेशा नीचे में रहता था ना, और यहाँ पर आप देखते होगे वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, और हम लोग यहाँ पर मैग्नेटिज्म में पढ़ रहे हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वो होता था क्या, म्यू नॉट ना। और क्या कहते हैं, इस म्यू नॉट का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 4π × 10⁻⁷ होता है ना, तभी तो लिखते हैं म्यू नॉट बाय 4π = क्या, 10⁻⁷, ऐसे बोल दो, या इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो म्यू नॉट बराबर 4π × 10⁻⁷, ठीक है। तो ये म्यू नॉट वाला टर्म हमेशा देखोगे आप तो ऊपर में रहता है, नहीं, बायोट सावर्ट लॉ में भी देख लो, डीबी बराबर क्या, म्यू नॉट आई इंटू डीएल क्रॉस आर बाय क्या, 4πr, म्यू नॉट हमेशा ऊपर में रहता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो उसमें एप्सिलॉन नॉट नीचे में था ना, तो यहाँ पर भी एक म्यू नॉट आएगा, लेकिन वो म्यू नॉट नीचे नहीं रह करके कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और यही मेरा बन जाएगा बायोट सावर्ट लॉ, यही मेरा बन जाएगा एम्पियर्स लॉ, इसी को लैंग्वेज में लिखाएंगे कि लाइन इंटीग्रल करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसी क्लोज लूप में, और वो बराबर होगा किसके, म्यू नॉट इंटू करंट के, लाइन का लेंथ है ना, उसका इंटीग्रेशन करना है मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक, इंटीग्रेशन करना है, वो हमको देगा म्यू नॉट इंटू क्या, लूप के अंदर का करंट आई इनसाइड। हम इसको क्या करते हैं, एक लैंग्वेज पहले लिख लेते हैं, और वही लैंग्वेज इसका याद करना है आपको, ठीक है, वही फेमस लैंग्वेज है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप। अच्छा, एकदम अच्छे तरीके से हम डिफाइन कर देते हैं, ये वाला फार्मूला को यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद समझाएंगे कि कैसे एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करना है, लगाना है, यूज़ करना है, ठीक है। ये एम्पियर्स लॉ भी जो है वो एक तरह का बेसिक या फंडामेंटल लॉ ही है, और इसका भी इस्तेमाल किसी करंट कैरिंग वायर के वजह से कुछ डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, जैसा कि सेम टू सेम हम लोग बायोट सावर्ट लॉ के मदद से करते थे। जैसे कि कूलम्स लॉ के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में चले जाओ अगर आप, तो वहाँ पर कूलम्स लॉ के मदद से चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता किया जाता था, ठीक है। फिर गॉस लॉ से भी किया जा सकता था, वैसे ही यहाँ पे बायोट सावर्ट लॉ से जो करते हैं करंट कैरिंग वायर के वजह से किसी डिस्टेंस पर
मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मान निकालेंगे, लेकिन वायर सावर्ट लॉ नहीं बल्कि कौन एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें बहुत कम मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा इनफाइनाइट रिस्ट्रिक्ट वायर के लिए हमको पहले फाइनाइट का निकालना पड़ा था, इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन सब लगा था, लेकिन अब जब एम्पियर्स लॉ से अभी हम लोग करेंगे तो उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं। तो हम फटाफट से इसको डिफाइन करते हैं, देखा जाए जरा, देखा जाए जरा सा क्या है एम्पियर्स लॉ में, बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। इसी चीज़ को डिफाइन कर दिए हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यही लैंग्वेज आपको ध्यान में रखना है, एकदम सटीक यही लैंग्वेज सबसे फेमस है इसका डेफिनेशन का। ठीक है, स्टेटमेंट इसका यही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल ऑफ क्या मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स, टाइम्स मतलब उतना गुना नेट करंट फ्लोइंग थ्रू दैट लूप, लूप से जितना करंट पास कर रहा है उसको गणना कर देना है किससे, म्यू नॉट से, और मैग्नेटिक फील्ड का लाइन के साथ इंटीग्रेशन करना है। अब इसको कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या है इसको, जब तक हम अभी बोल देंगे ना कुछ दिमाग में नहीं आएगा, जब तक इसको हम अभी एप्लीकेशन का एक रूल बताएंगे, फिर उसके बाद जाकर के एक एप्लीकेशन जैसे ही करेंगे ना तब आपका दिमाग खुलेगा कि ओ अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ये सब चीज़ हुआ। ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ वहाँ पढ़ा हुआ है ही, तो मिलता जुलता यहाँ पे सब कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखा जाए पहले कैसे कैसे अप्लाई करना है वो सब भी समझते हैं हम लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे आराम से ना, आराम से। तो देखा जाए जैसे कैसे कैसे अप्लाई करते हैं समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप सब समझेंगे। जैसे मान लिया जाए ये एक करंट है आई वन, मतलब ये बिंदा दे दिए ऐसे बोल दिएगा, मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ कि करंट मेरा इस दिशा में ऐसे करके जा रहा है, वायर मेरा ऐसे करके रखा हुआ है। ठीक है, और करंट किधर जा रहा भाई, बाहर की ओर, इसका मतलब होता है ना आउटवर्ड। अच्छा ठीक है, फिर एक करंट और है जो कि जा रहा है क्रॉस का मतलब अंदर की ओर, किधर जा रहा भाई, आई टू मेरा किधर जा रहा है, अंदर की ओर, वायर ऐसे है क्या, अच्छा इधर क्या है वायर ऐसे है, इसमें बाहर की तरफ करंट, इसमें इस वाले वायर में अंदर की तरफ करंट, यानी कि ऐसे देख सकते हैं, ये हो गया क्या मेरा I1 और ये हो गया मेरा क्या I2। अब इसी चीज़ को क्या किया, ऐसे लिए इसी को ऐसे करके पलट करके ऐसे रख दिए ना, तो I1 और I2 है, I1 एक करंट है जो मेरा क्या है बाहर की तरफ है, I2 मेरा क्या है अंदर की तरफ है, सिंपल। अच्छा स्ट्रेट वायर है, बाहर अंदर, ठीक। अब क्या करना है, इसके चारों तरफ हमको एक लूप ले लेना है। ठीक है, लूप किसी भी शेप का हो सकता है, लेकिन हम लोग सिमेट्रिकल लूप लेंगे, सिमेट्रिकल यानी सुंदर सा एक सर्कुलर या रेक्टेंगल ना या स्क्वायर शेप का, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा हम लोग को, सुविधा होगा ना, कैलकुलेशन वगैरह करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उसका लेंथ वगैरह सब हमको पेरीमीटर वगैरह सब कुछ पता रहता है अच्छे तरीके से। देखा जाए तो सबसे पहले तो ऐसे लूप ले लेना है अपने मन से। सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, पहला स्टेप में सेलेक्ट करना है एक ड्रॉ अ लूप ना, ड्रॉ अ लूप अराउंड करंट, करंट के चारों तरफ, ये स्टेप वन में है, और ऐसे ही स्टेप का इस्तेमाल करके हम लोग एक एप्लीकेशन भी देखेंगे इनफाइनाइट वायर के वजह से एक्स डिस्टेंस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होता है एम्पियर्स लॉ की मदद से निकालेंगे, बायोट सॉर्ट लॉ से तो आता ही हम लोग को, क्या देखता जाए। ड्रॉ अ लूप अराउंड करंट, करंट के चारों तरफ क्या कि एक लूप खींच लिए। उसके बाद स्टेप टू में क्या करते हैं देखा जाए, स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू में क्या करेंगे वो देखते हैं। स्टेप टू में क्या करेंगे कि अपने मन से एक एरो लेना है हम लोग को, इस दिशा में भी ले सकते हैं, इस दिशा में भी ले सकते हैं, पूरा आज़ादी है, फुल टू आज़ादी, मान लिया जाए ऐसे करके हम लोग ले लिए। ठीक है, ऐसे करके क्या किए, एरो ले लिए अपने मन से, इसमें एक एरो ले लिए, हाँ। लेकिन अब जब एरो ले चुके हैं ना तो उसके बाद क्या होगा ना, वो फिर एरो के अकॉर्डिंग ही चलेगा। एरो अपनी मर्जी से ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लो ऐसे ही ले लिए, ठीक है ले लिए। अब एक काम और क्या करना है, टेक एन एरो स्किप कर देना, आप लिखते समय ये सब चीज़ को स्किप कर सकते हो, टेक एन एरो ऑन दी लूप, ऑन दी लूप,
ठीक है, आगे इसी में लिख दिए कि डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एरो जो है, डायरेक्शन ऑफ एरो डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर्स च्वाइस। ये जो एरो का डायरेक्शन है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर के च्वाइस पर, यानी हम पर, स्टूडेंट पर, किसी पर भी, जो भी इस चीज़ को देख रहा है उसको ऑब्जर्वर कहेंगे। सिंपल सा है बात, ठीक है। अब उसके बाद स्टेप टू के बाद अब आगे हम लोग बात करेंगे स्टेप थ्री में क्या करेंगे, ठीक है। स्टेप थ्री में क्या करेंगे, ध्यान रखना है, जो भी एरो का डायरेक्शन है, ठीक है, उसी दिशा में मेरा लेंथ वेक्टर भी होगा। उस दिशा में होगा क्या मेरा लेंथ वेक्टर। अगर कहीं पर भी हम लोग एक पॉइंट पर भी ऐसे लेंथ वेक्टर का ऐसे बात करें, तो लेंथ वेक्टर मेरा इस पॉइंट पर भी, अगर छोटा सा एरो अगर हम लोग मान लिया जाए, छोटा सा अगर डीएल ऐसा लेते भी हैं लूप में, तो इसका डायरेक्शन मेरा किधर होगा, उसी दिशा में। किसी भी पॉइंट पर अगर डीएल लेंगे तो उसका डायरेक्शन मेरा किधर होगा, उसी एरो के दिशा में। किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग छोटा सा ये डीएल लेंगे तो उसका डायरेक्शन मेरा किधर होगा, उसी के दिशा में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो क्या लेते हैं, आगे ही लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ऑफ डीएल लेंथ वेक्टर विल बी अलोंग दी एरो, विल बी अलोंग दी क्या, एरो। डायरेक्शन ऑफ डीएल लेंथ वेक्टर विल बी अलोंग दी क्या, एरो, ठीक। उसके बाद स्टेप फोर में बात करते हैं, ठीक है, स्टेप फोर में बात करते हैं। हाँ, ये वाला जो स्टेप है इसमें क्या करना है हम लोगों को, लास्ट स्टेप है ये, सेकेंड लास्ट स्टेप। इसमें क्या करना है कि जो ये हम लोग एरो लिए हैं ना, जो भी अपने मन से ले लिए, अगर इधर लिए होते तो डीएल भी इधर ही हो जाता। अब चूंकि इधर ले चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हमको करना ये होगा कि अपना राइट हैंड का फिंगर सबको कर्ल करना है एरो के डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे ही कर्ल किए ना, तो देखो तो अंगूठा किधर आया, बाहर। तो जो 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 भी करंट मेरा बाहर की ओर होगा उसको पॉजिटिव करंट लेना होगा, और बाकी उधर वाले करंट को निगेटिव करंट लेना पड़ेगा। ये छोटा सा ये ध्यान रखना है, समझे बात। अच्छा ठीक है, फिर से कह दे रहे हैं कि अगर एरो इधर लिए हैं तो एरो हमको अपना राइट हैंड का फिंगर को कर्ल करना है किधर, एरो के डायरेक्शन में। कर्ल कर दिए, अंगूठा किधर बताएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट ना। क्या करना है हमको, नाउ कर्ल योर फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, ठीक है, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। किसका डायरेक्शन देगा, पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि I1 और I2 में से कौन पॉजिटिव, I1 मेरा क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एंड एंड लिख दिए हैं। I2 मेरा क्या कहलाएगा भाई, तो वो कहलाएगा नेगेटिव, ठीक है। एक I1 हो गया मेरा क्या, पॉजिटिव, फिंगर उधर लूप की तरफ घुमाए, अंगूठा हमको बताया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये हो गया पॉजिटिव करंट, ये हो गया क्या, नेगेटिव करंट, ठीक। अच्छा, उसके बाद लास्ट स्टेप में है स्टेप मेरा फाइव। उसमें क्या करना है हम लोगों को कि राइट, हाँ, या फिर अप्लाई कहते हैं, या राइट कर देना है, राइट एम्पियर्स इक्वेशन, एम्पियर का जो इक्वेशन है उसको लिख देना है, या एम्पियर्स लॉ को अप्लाई कर देना है लास्ट में। तो क्या है भाई, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड की बात करें तो आई इनसाइड में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा मालूम, नेट करंट क्या है अंदर में वो लिखना पड़ेगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, तो ठीक है, अंदर में करंट का ये वाला हो गया पॉजिटिव करंट, ये हो गया क्या, निगेटिव करंट। तो नेट करंट मेरा कहलाएगा I1, ये पॉजिटिव,
और माइनस क्या आई टू निगेटिव है ना, दोनों को जोड़ दिए, ये पॉजिटिव करंट और निगेटिव करंट दोनों को क्या किए ऐड कर दिए, ठीक है। तो ऐसा चीज़ होगा, अगर हम लोग एरो का डायरेक्शन ऐसे लिए होते तो वो मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाता, फिर हमको इक्वेशन लिखना पड़ता इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इन टू आई इन साइड में क्या करते आई टू माइनस फिर आई वन करना पड़ता, ठीक है, ऐसा हो जाता। तो अब ये तो हम लोग छोटा छोटा चीज़ यहाँ पर बात किए किए ना, अब यही सब स्टेप वगैरह का इस्तेमाल करके हम एक एप्लीकेशन दिखाएंगे ना, तब थोड़ा दिमाग खुलेगा। अभी ये चीज़ समझे ये चीज़ समझे उतना क्लियरेंस आ ही नहीं सकता है, अब आएगा, अब जब हम लोग करेंगे ना एम्पियर्स लॉ के मदद से इन्फाइनाइट वायर की वजह से एक्स डिस्टेंस पर जब मैग्नेटिक फील्ड अभी कैलकुलेट करेंगे ना, तब थोड़ा थोड़ा आपका दिमाग खुलेगा। उसके जस्ट बाद अगला डेरिवेशन भी देख लेना है, फिर उसके अगला डेरिवेशन भी देख लेना है, तो एकदम परफेक्टनेस आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप, हम इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद इसका एप्लीकेशन हम एक करा रहे हैं। इन्फाइनाइट वायर के वजह से एक्स डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड अभी स्ट्रेंथ निकालते हैं एम्पियर्स लॉ की मदद से, बायोट सावर्ट लॉ के साथ कर चुके हैं, अब एम्पियर्स लॉ से देखा जाए, मिटा रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका रहेगा, देखो आगे। अब हम लोग जो है एम्पियर्स लॉ का एक एप्लीकेशन देखते हैं, तब थोड़ा जाकर के एम्पियर्स लॉ हल्का हल्का समझ में आएगा कि ओ अच्छा ऐसा है, ठीक है। देखा जाए, 16 मिनट तो गया ऐसे ही ना, ऊपर से हल्का हल्का उड़ ही रहा होगा, देखा जाए जरा। जैसे कि मान लिया जाए करंट है आई, हम लोग तो जानते हैं कि इन्फाइनाइट स्टेट वायर है, उसकी वजह से अगर इन्फाइनाइट स्टेट वायर है उसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई बाय टू पाई एक्स, हम लोग तो पहले कैलकुलेट कर ही चुके हैं बायोट सॉर्ट का मदद से, थोड़ा जटिल था, पहले फाइनाइट के लिए निकालना पड़ा म्यू नॉट आई बाय फोर पाई एक्स इंटू साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू क्या, थोड़ा उसके बाद जाकर के थीटा वन थीटा टू को 90 बैठाए थे तब जाके हुआ था इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन, बहुत करना पड़ा था। खैर यहाँ पे लेकिन उतना ज़्यादा हमको उलझुल पड़ेगा नहीं, तुरंत हो जाएगा बस सिंपल। हाँ ये काम का है, इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ध्यान दिया इसका, प्रैक्टिस कर लेना आप। खैर ये यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे करंट है, ये है करंट मेरा आई, क्या है करंट भाई, ये करंट है मेरा आई करंट है, ठीक है। अब ये आई करंट है तो ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है मेरा बाहर के तरफ, ऐसे बाहर के तरफ करंट है, ठीक। तो हमको स्टेप वन में क्या करना है, एक लूप खींचना है, ठीक है, खींचेंगे हमको पहले क्या कहते जो निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का मान, वो यहाँ से वायर से कितनी दूरी पर निकालना है, ये ऐसे ही घेर दिए हैं ताकि बाहर के तरफ डायरेक्शन भी पता चल जाए। तो ये वायर है, इसमें करंट ऐसे करके बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से कितनी दूरी पर, एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर हमको क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पर हमको क्या करना है, पता करना है मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा। इस पॉइंट का नाम हम लोग रख दिए क्या पी, यही वायर है, इसी वायर से कितनी दूरी पर, एक्स दूरी पर, इन्फाइनाइट वायर है, अनंत तक इधर भी जाएगा अनंत तक उधर भी जाएगा, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट पर चाहिए वहाँ से होते हुए हमको एक लूप खींच लेना होगा, और हाँ हर एक पॉइंट पर का दूरी यहाँ से हम एक्स ही रख लेते हैं ना, इसको इसको रेडियस मानते हुए हम लोग एक लूप ले लेंगे ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्राइंग अ लूप टेकिंग एक्स एज रेडियस, ठीक है, और एक्स इज द क्या डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिख सकते हैं, बिटवीन पॉइंट पी एंड वायर, वायर और पॉइंट पी के बीच का क्या है डिस्टेंस है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लूप ऐसे खींच लिए, ये भी हर एक पॉइंट का दूरी यहाँ से कितना हो गया मान लिया जाए एक्स है, ये पूरा सर्कल है, आप अच्छे तरीके से सर्कल ड्रॉ कर लेना, ठीक है, हम लोग समय बर्बाद नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस है, हर एक पॉइंट इसका कितनी दूरी पर है, एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले लूप खींचना था, खींच लिए, अब हमको एक एरो डिसाइड करना है, अपने मन से हम एरो इधर भी दे सकते थे या फिर क्या इधर भी दे सकते थे, हमको एक दिमाग में सूझा, अरे ये करंट तो मेरा बाहर की तरफ है, एगो है बाहरी की तरफ है, अच्छा अगर ऐसे ही एरो दे दे तो हम लोग बाद में फिंगर जब घुमाएंगे ना तो अंगूठा भी इधर ही आ जाएगा करंट की दिशा में ही, तो पॉजिटिव करंट रहेगा, निगेटिव का झमेले ख़त्म, अच्छा है काम करते हैं, चल करिए लिए समझदारी से ना, अच्छा नहीं तो ऐसे भी ले सकते थे कोई दिक्कत नहीं था, बस माइनस आई आ जाता, तो खैर ठीक है, अब माइनस को नेग्लेक्ट कर देते हैं, माइनस तो दिशा बताने के लिए,
चलो ये ऐसे करके ठीक है, अब एक काम करते हैं, वो माइनस भी मेरा कट खत्म हो जाता, कोई दिक्कत नहीं, आगे चल करके ना वो माइनस भी मेरा खत्म हो जाता। तो अभी देखो ऐसे कर लिए, ठीक है, अब ऐसे लूप लिए, अब ऐसा भी हम करके होगा तो दिखा देंगे झटपट में कि अगर वैसा लिए होते तो क्या होता। तो इधर ऐसे ले लिए, ठीक है, अब देखो तो क्या करेंगे, इसी की दिशा में ऐसे करके घुमाएंगे फिंगर, अंगूठा हमको बताएगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आई जिधर है उधर ही अंगूठा आ रहा है, करंट मेरा बाहर की तरफ ही है ना, करंट किधर है, आई इज आउटवर्ड, करंट इज आउटवर्ड, करंट क्या है बाहर की तरफ है, ठीक है बाहर की तरफ है। अब फिंगर भी ऐसे कर्ल किए तो बाहर की तरफ ही अंगूठा आ रहा है, तो यानी कि बाहर वाला डायरेक्शन ही मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया करंट का, ठीक है। अब एक चीज़ देखा जाए तो किसी भी पॉइंट पर, अगर इसी पॉइंट पर हमको डीएल अगर छोटा सा लेंथ वेक्टर अगर देखे, तो लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन तो मेरा इधर हो गया उधर। अब एक चीज़ और देखो, आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई वायर है ऐसे स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हम लोग जानते हैं वो सर्कुलर लूप में होता है, सर्कुलर होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, अच्छा ठीक है पढ़ चुके हैं। खैर इस वायर में करंट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा जाए कि वो किस दिशा में होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग जानते हैं करंट की दिशा में अंगूठा रखे, रख दिए उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उंगली हम फिंगर अपना फैला दिए, हथेली हमको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड उधर ही होगा, यानी कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा उसी दिशा में होगा जिधर डीएल लेंथ वेक्टर होगा। कहीं पर भी आप बात कर लो, तो डीएल अगर कहीं पर भी आप लेते हो तो डीएल लेंथ वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड भी उधर ही उतना ही आएगा, उधर ही उसी दिशा में आएगा, करंट इधर, करंट की दिशा में अंगूठा रखो, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फैलाओ उधर, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है उधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी मेरा क्या है उधर है। तो हमेशा डीएल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या है मेरा कितना हो गया, एंगल एंगल हो गया 0 डिग्री ना, यहाँ पे लिख सकते हैं हेयर, हाँ एरो आप ऐसे लिए या फिर ऐसे लेते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बता देते हैं अभी हम साबित कर देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हेयर एंगल बिटवीन डीएल एंड ये मैग्नेटिक फील्ड इज 0 डिग्री ऑलवेज, हमेशा 0 डिग्री का है, ठीक है। अच्छा अगर क्या लेते हैं ऐसे करके इधर से लिए होते तो डीएल मेरा क्या, डीएल मेरा इधर हो जाता लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या उधर हो जाता, तो एंगल मेरा कितना होता 180 डिग्री होता, यही कॉस 180 फिर माइनस वन हो जाता तो निगेटिव करंट को ये पॉजिटिव कर देता, कहानी आगे हम बताएंगे, अभी बता देंगे कि अगर लूप इधर भी लिए होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम करके दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो जरा सा फ्रॉम एम्पियर्स लॉ से देखो तो आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इनटू आई इनसाइड, यही ना अंदर का करंट, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, पहले बी और डी एल का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी डी एल कॉस 0 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि डी एल जिधर है उधर मैग्नेटिक फील्ड भी है, हमेशा हमेशा ऐसे ही ना, हम लोग जानते हैं कि इसके चारों तरफ इस दिशा में होता है क्या, हाँ म्यूनॉड तो ठीक है, आई इनसाइड की बात करें तो करंट कितना है भाई अंदर में, आई है, कॉस 0 का मान क्या होता 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होके सिमट गया, ख़त्म है, म्यूनॉड इंटू क्या है आई है। अब ये देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ये है पॉइंट, चाहे यहाँ से एक्स डिस्टेंस ये वाला पॉइंट हो, चाहे यहाँ से एक्स डिस्टेंस ये वाला पॉइंट हो, चाहे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट हो, चाहे यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट हो, वायर से हर एक पॉइंट लूप का एक्स ही दूरी पर है, तो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड का मान एक जैसा बराबर रहेगा, तो ये यूनिफॉर्म है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर मैग्नेटिक फील्ड बी इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द लूप, देयरफॉर क्या कहते हैं बी को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, डी एल ऐसे रहेगा म्यू नॉट आई।
अब ये बी तो ठीक है, ये डीएल का मतलब हो गया, जितना भी डीएल 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 सबको आप जोड़ दोगे तो सारा डीएल डीएल जुट करके पूरा सर्कमफेरेंस इसका हो जाएगा, यानी परिधि इसका, पेरीमीटर। तो वो कितना हो जाएगा भाई, ये सारा डीएल डीएल जुट करके, यहाँ तो डायरेक्ट एल भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, सारा ये डीएल 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 हर जगह, यहाँ का डीएल, यहाँ का डीएल, यहाँ का डीएल, सब जगह का डीएल 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 जुट करके मेरा 2π × रेडियस, 2πr इन रेडियस है, पूरा सर्कमफेरेंस हो गया, परिधि पूरा लंबाई जुट करके μ0 × I। तो b बराबर क्या आया, μ0 I, ये उसके डिवाइड में चला गया, बराबर μ0 I/2πx है कि नहीं, यही तो होता है μ0 I/2πx इनफाइनाइट वायर के वजह से एक्स डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल तरीका से निकाल लिया। हाँ, मन में सवाल होगा कि अगर हम लोग डायरेक्शन एरो का इधर न लेकर के इधर लिए होते तो मालूम क्या होता, अगर हम लोग क्या कहते हैं एरो का डायरेक्शन इधर लिए होते तो मैग्नेटिक फील्ड तो खैर जैसा था वायर ऐसे ही है, ये उधर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड उधर और डीएल लेंथ का डायरेक्शन इधर, यानी दोनों के बीच 180 डिग्री एंगल हो जाता, जीरो के बजाय 180, तब यहाँ पर क्या होता, क्या लिखते हैं बी डीएल I/ cos 180 ना, अब बराबर क्या μ0 × करंट का डायरेक्शन, मेरा एरो चूँकि इधर लिए हैं तो उधर पॉजिटिव करंट है, इधर मेरा निगेटिव करंट है, ये माइनस आई होता तो फिर इधर क्या हो जाता, B × DL × क्या -1 बराबर μ0 × क्या -I, यही -I से कम घट जाता, 1 इससे मल्टीप्लाई करके ख़त्म हो जाता, तो BDL ही रहता, इधर μ0 × क्या I ही बचता, फिर उसे वही B × क्या 2πx बराबर μ0 × I रहता, ये उधर बटे में चला जाता, B बराबर μ0 I/2πx, वही चीज़ रह जाता घुमा फिरा के, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम लोग एरो का डायरेक्शन किधर भी ले सकते थे, फिर उसी हिसाब से सोचना पड़ता, हम थोड़ा सा चालाकी की और क्या किए। तो इतना छोटा सा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, बस इतना सही है, 5 मार्क्स में हो सकता है कभी पूछ दिया, नहीं तो CBSE वाले को तो इतना सा 5 मार्क्स में नहीं पूछेगा, 5 मार्क्स में हो सकता है वहाँ बोलेगा क्या कि स्टेट एम्पियर्स लॉ, पहले तो एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट दीजिए, फिर ये चीज़ को प्रूफ कीजिए, फिर कुछ और चीज़ भी बोल सकता है, ऐसे ऐसे काम किया जा सकता था, ठीक है। तो खैर, ये सब चीज़ को ऐसे प्रैक्टिस रहना चाहिए, इसका काम देगा, और स्टेट लेवल पर तो 5 मार्क्स में दे ही सकता है सीधा सीधी, ये भी है, साथ में साथ एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट भी पूछ देगा, स्टेट एम्पियर्स लॉ एंड यूज दिस लॉ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दी मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग वायर एट अ पॉइंट, ये इस तरीके से जोड़ सकता है, इतने तो लाइन में एक और जोड़ देता है कि स्टेट एम्पियर्स लॉ, तो 5 मार्क्स में पूछ सकता है, रिजल्ट तो खैर कंपटीशन के लिए काम देगा ही, तो इसको कर लो आप, ठीक है, बस इसको इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या लेते हैं अब जो है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो देखो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आराम से रहना है, निश्चिंत रहना है। और एक चीज़ कि इसके बाद जो है अपना क्या लेते हैं नेक्स्ट वीडियो जो है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो अगर वायर है ना, तो वायर के अंदर में मान लीजिए मोटाई, अगर थोड़ा सा मोटाई का वायर है तो वायर के मान लिया जाए इस सेंटर है, सेंटर से पूरा वायर है एकदम मोटा, उसके अगर अंदर में यहाँ पर सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड सब होगा, वो सब कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं वहाँ हम लोग उस वाले वीडियो में, अगर मूड फ्रेश हो करना चाहो तो भी लगातार कर सकते हो, नहीं तो थोड़ा रेस्ट ले लो फिर उस वीडियो को देखना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, दिमाग हचपच हो जाएगा, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।